पैसा फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेटा बैंगलोर भेजा कारवा तिहान कारवा ना तिहान तुम्हें एजे हॉस्पिटल बरोड आईलैंड हॉस्पिटल पंद्रह हॉस्पिटल गवर्नमेंट टाइम है
2A2B जो नॉर्मल होता है, सामान्य होते हैं, उसको जनरल लेवल का होता है, जिसका इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है, जैसे मलेरिया हुआ आपको, डायरिया हुआ, डेंगू हुआ, इसका इलाज आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है। और टर्शियरी आता है सेकेंड लेवल का, 3A जिसका कोड कहते हैं, उसमें जो है आपको कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजी के अंदर, या फिर आपका जो है किडनी किडनी का मसला हो जाता है, जिसमें जो सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, सर्जन इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज नहीं होने के बाद जो है ये लोग जो क्या करते हैं, रेफर लेटर लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके पास जाना है, जैसे सर ने कहा, जीनी सर ने कहा कि उनके पास जाना है, जो भन्ना आपका तालुक हॉस्पिटल है, वहां से जब पता चलता है उनको कि इसकी इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो रेफर लेटर लेके देते हैं, या तो वेंडॉफ में देते हैं, या फिर अजल कार्ड में देते हैं, या फिर सीधा डायरेक्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं। आप ही के उन्नावर के श्रीदेवी हॉस्पिटल और इग्नेशियस हॉस्पिटल, ऐसे दो बड़े हॉस्पिटल से जहाँ पे आप लोग जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी जो है मल्टीपल डिसीजेस के लिए जो है यहाँ पे रेफरल हो जाता है, यहाँ पे आयुष्मान एप्लीकेबल है, जिससे तफसील से डिटेल्स आपको डॉक्टर साहब देंगे जब आप वहां पर पहले जाएंगे। कहाँ पे? तालुक हॉस्पिटल होन्नावर, वहां पर पहले आपको जाना पड़ेगा, ओके? और उसके बाद बता दें रेफरल लेटर लेने आपको डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं। उड़पी के अंदर आप आएंगे ना, आप अगर हमारे अफजल भाई से या फिर शाहिद भाई से जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके साथ रहा करेंगे, उड़पी में हमारी टीम है रमाना बकुटा का, हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रही है, तो आपको जो है हम हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। और जितने भी जैसे KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे मणिपाल का मशहूर हॉस्पिटल है, ग्लोबलाइज्ड है, वहां की जितने फैसिलिटीज है कर्नाटक के वन ऑफ द टॉप 4 हॉस्पिटल में माना जाता है, हर तरह के इलाज उसमें जो है इंपैनल है आपके गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, वहां भी हमारी टीम आपको मदद करेगी इंशाल्लाह। रिसेंट का एक वाक्य है ऑन्कोलॉजी पेशेंट शिकारीपुर से, हमारे रसूलना भाई गलीबुल शायद हम लोगों से फोन करते हैं, फिर हमसे रब्ता होता है आपके होन्नावर के, और उस पेशेंट को जो है रिसेंट जनवरी में ट्रीटमेंट हुआ, अप टू 6 लाख रुपीज जो है आयुष्मान की वजह से उनको बेनिफिट हुआ है। जस्ट इमेजिन 6 लाख रुपीज जस्ट फॉर ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर साई बाबा जो इंस्टीट्यूट है KMC का जो सब्सिडियरी है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जिसके फायदा हम लोग उठा सकते हैं, ओके? तो ये रहा आपकी जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट जो प्लान होते हैं, मतलब आपको जो एक OPD के सेशन से जाना पड़ता है जिसमें स्कैनिंग होता है, आपको जो समझो कि मेट्रल हो या फिर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम होता है जो नॉर्मल रूम जो वेट कर सकता है। और फोर्थ जो थर्ड कैटेगरी जो है इमरजेंसी कैटेगरी, इमरजेंसी क्या हो सकता है, या तो आपको स्ट्रोक लग जाता है हार्ट का, वो इमरजेंसी हो जाता है, राइट? और उसके बाद में एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या तो कोई ऊपर से गिर जाता है पहाड़ के ऊपर से या पेड़ के ऊपर से, वो जो इमरजेंसी कंसिडर किया जाता है। उसके तकरीबन आई थिंक 150 प्लस जो ट्रीटमेंट जो है विदाउट रेफरल, रेफरल की जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है एम्पैनल हॉस्पिटल में जाना होगा। ये हॉस्पिटल का लिस्ट इंशाल्लाह शाहिद भाई के पास हम लोग देंगे, जैसे पेपर्स यहाँ पे ऐसे PDF आपको मिलेगा जिसमें जो हॉस्पिटल के लिस्ट होंगे जिसके आयुष्मान का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तभी जो है आप उनको फोन कर सकते हैं, वो हमसे रब्ता करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जाएं, जैसे KMC, AJ, आपका इंडियाना हॉस्पिटल, ये सब टाइड अप है। लेकिन सर्टेन डिजीजेस के लिए अगर हम आप लोग हमारे से जो है कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन, ओके? इसके अलावा जो है ट्रांसप्लांट के बारे में कितने लोगों को पता है? बता दें 3 टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट, ये जो है किडनी लीवर एंड हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। इसके लिए बता दें 2 लाख 10 लाख एंड 11 लाख तक जो है आपको जो है आयुष्मान के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है ट्रांसप्लांट के लिए भी। उसका अपना ही प्रोसेस है, बेंगलुरु के JJM में ऐसा वगैरह है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ओके? तो इसको आप तमाम को जहन में रखना पड़ेगा इस चीज को। और जैसा मैंने कहा हमारी टीम जो है ऐसे इंडिपेंडेंट काम नहीं करती, वहां पे जो उड़पी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है डॉक्टर तेजस्वी करके, जो आयुष्मान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो उनसे हमारा रास्ता है, तो हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट करके जो है आपको हेल्प करते हैं, ओके? सो एंड टू एंड प्रोसीजर है, फोटो पे नहीं है, आप ये सब झंझटों से छोड़ के यहाँ पे रुके, यहाँ पे आप क्या वहाँ पड़ोगे बनाते हैं, ये बंदा है वहाँ पे लाइन छोड़ दूसरी लाइन में उठाकर खड़ा नहीं बनता, वहाँ पे जाके धूप पे खड़ाना पड़ेगा। आप बहुत खुशकिस्मत है कि ये लोग इनायतुल्लाह भाई, शमी भाई, शाहिद भाई ने आपको यहाँ पे मौका दिया, इसका बहुत बहुत फायदा उठा लो। आपको मालूम है कि जब आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए जाके कितनी तकलीफ होती है,
हमारे को सबसे पहले कि हम हमको यहाँ पे एक खड़ा समझ में नहीं आती, और दूसरी बात है वो क्या बोलते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, वो दो तीन बात बोलते हैं उसके बाद फिर किसको चाहिए छोड़ के हम लोग अपने घरों को आ जाते हैं, इसलिए हम उनका ये कार्य नहीं बनाते हम लोग। और सबसे बड़ी बात ये 2018 में शुरू हुआ, अब 3-4 साल हो गए, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है किसी को मालूम नहीं कार्ड बनता है, और ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे के अगर एक बैंकों के पास करते तो एक बंदा भी कार्ड बनाने के लिए नहीं आएगा, क्यों ऑलरेडी वो लोग तो बना चुके हैं, हम अभी भी हमको मालूम हो कि कार्ड बन रहा है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और मैं और भी बंद कर चुका है, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके साथ जमीयत मुस्लिमीन मंकी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ताउन किया और इस कैंप को यहाँ पर मुनक्कद करने के लिए अपना भरपूर ताउन पेश किया। इसके लिए मैं नम्मा नाड़ा वक्फ़ का और इनायतुल्लाह शाहिद साहब बैंक की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ 3 बातों को करके आपको ज्यादा वक्त देना नहीं चाहता। पहली बात यह है कि नम्मा नाड़ा वक्फ़ का इस मकसद के लिए बनाया गया है, ये जो नम्मा नाड़ा वक्फ़ है ये उड़पी मंगलूर से शुरू होकर अभी कारवार शिमोगा और दूसरे जिलों में भी इसके लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। नम्मा नाड़ा वक्फ़ के सिर्फ 3 मकसद है। पहला मकसद है हमारे लोगों में तालीम का शऊर पैदा करना, हमारे लोगों को तालीम के लिए आगे लाना और तालीम के सिलसिले में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमको मुश्किलें पेश आती हैं, वो हम मिलकर उसको हल करके हमारे लोगों को आगे बढ़ाना। दूसरा जो मकसद है वो है हमारा जो दूसरा मकसद है एम्प्लॉयमेंट। नम्मा नाड़ा वक्फ़ का मकसद है अच्छा पढ़ो अच्छा बनो, यानी अच्छा बनने के लिए अच्छी नौकरी तलाश करने की जरूरत है, लेकिन हमारे कौम में हमारे लोगों में पढ़ तो लेते हैं बीए बीकॉम एमकॉम और एमफिल पीएचडी कर लेते हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आगे नहीं आते। उस सिलसिले में भी नम्मा नाड़ा वक्फ़ जो है बाकायदा ट्रेनिंग देके जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, जो एवरेज बच्चे रहते हैं, जो होशियार नहीं है, ऐसे बच्चों को भी तैयार करके उनको तालीम देके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से आगे लाना चाहिए उसकी ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट इलाकों में नौकरी के लिए हम तैयार करने, ये हमारा दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद जो है नम्मा नाड़ा वक्फ़ का वो एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब है बाइख्तियार करना, बाइख्तियार करने का मतलब अपने पांव पे आप खुद खड़े होना, ये हमारी कौम को हम चाहते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप करें, यानी नम्मा नाड़ा वक्फ़ का मकसद जो है अपनी मदद आप करें। अगर अपनी मदद आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगर एक एक फर्द आगे बढ़ेगा, एक एक फर्द अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो इंशाल्लाह हमारी कौम जो है हर एक फील्ड में भी आगे आएगी। और एक बात याद रखें, नम्मा नाड़ा वक्फ़ कोई ये सोने की मुर्गी नहीं है, ना ये सोने का अंडा देती है, ये नम्मा नाड़ा वक्फ़ जो है एक ऐसी मुर्गी है आपको सोच देती है, एक ऐसी ये सोच है जो आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट महकमेंट के जो फायदे हैं जो फायदे हैं उनको लेना चाहिए और किस तरह से हमारे कौम को आगे बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में आपको एक उजागर करने के लिए, जगाने के लिए और एक रास्ता बताने के लिए और आपको एक रास्ते पर चलने के लिए हम तैयार करके छोड़ देते हैं और बात करता उसके बाद आपको खुद चलना है। ये बात मैं कर हमारे इनायतुल्लाह शाहिद साहब जो हमारे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं उनका भी मैं शुक्र ममनून हूँ और हमारे जमीयत मुस्लिमीन मंकी के तमाम जिम्मेदार का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और दो बातें कहने की इजाज़त दी। वास्तु दावन आनंद भाई शुक्रिया प्रोफेसर। ये महीनों पहले अन्नावर में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें उन्होंने अतराफ अकराम की तमाम जमातों को बुलाया था
इसमें हम भी शरीक थे। बहरहाल कहने का मतलब ये है, नम्मा नाड़ व पुटा जो ये तंजीम या इदारा कायम अमल कायम में आया, तो इनका मकसद जो उन्होंने हमारे जिम्मेदारों ने नम्मा व पुटा के बताया है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि तमाम जमातों को साथ लेकर काम करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इदारे अमल में कायम में आते हैं लेकिन अपने अपने तौर पर काम करते हैं, इसलिए जो है काम नहीं होगा। वहां के वो गांव के इदारों को लेकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं 5 साल से अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी तालुका पंचायत का मेंबर था, वो अच्छे जानते हैं, तो उनसे भी हमारा ताबिता है, तो इंशाल्लाह हम जरूर हम साथ मिलकर काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड का जो तफसीलात आपको बताई गई है, हो सकता है किस तरह से हासिल करना हो या कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, किसी ने कन्नड़ में बताया, किसी ने उर्दू में बताया, बाहर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। आपके साथ आपकी जमात आपके साथ हमेशा रहेगी और हम जरूर आपके फलाह के लिए वो बाफला बहबूदी के लिए काम करेंगे। हमारे नौजवान जो हैं अभी ये है, हमारे साथी साहब भी हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। इस तरह से चंद लोगों को जैसा कि उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर आपकी आपको फलाही कामों में इस तरह की तरदीब देंगे। और आयुष्मान कार्ड का ये आज फेमस है, आज ही ये एक कैंप है जो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जितनी बातें यहाँ पर नमनारु जो कार्ड यहाँ पर जो बन रहा है वो एक बेहतरीन कार्ड है। मुझे भी इसका तजुर्बा हो गया। मैं हाल में बेंगलुरु में जयदेवा हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर देखा तो हर आदमी एक आयुष्मान कार्ड लेके आ रहे हैं और अपना डिस्काउंट जो मरीज है जो इलाज हो रहा है वो अपने हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक कार्ड की सहूलत नहीं रहे हैं कि ऐसा नहीं समझे कि ये कार्ड ये हम लोग के पैसे से जो हम लोग को गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारा जो टैक्स हम लोग देते हैं उस हिसाब से वो हम लोग को सहूलत मिल रही है। इस सहूलत को हम लोग हासिल करें और जो एक कार्ड बनवाए और डॉक्टर साहब ने हमको जो जितना सपोर्ट किया तालुका लेवल डॉक्टर साहब हम उन्नावर हम लोग को हमारा तालुक उन्नावर से रहता है, तो हमको डॉक्टर साहब जितनी बातें यहाँ पर कही और जो सपोर्ट किया है इनसे हमेशा आप रुझू करें। हम लोग जो गल्फ में जो एनआरआई हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम हुआ है कि जो वहाँ का रहने का कार्ड बनता है जो अकामा जैसे सऊदी में होता है वहाँ पर इंश्योरेंस के बगैर ये कार्ड बनता ही नहीं, इंश्योरेंस का पैसा हम लोग को पहले से लेते हैं। इसी तरह की ये फैसिलिटी है, आप ये फैसिलिटी से फायदा उठाए, ये अच्छी चीज है, ये अच्छा है। आप उसको सबको सीयर दे दें लेकिन अल्लाह ना करे ऐसे कोई इंसान जो 35-40 साल के बाद में जैसे बोलते हैं ना मशीन में कचरा आ जाता है, ऐसा होता था, तो उस हिसाब से आप अगर कुछ बीमारी कुछ हो गई डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उसके सामने डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ डिलीवरी का मसला है और दूसरा एजुकेशन का मसला है वो सब आगे आगे आ जाएगा। मेरा मुझे चल बातें यहाँ कहने का मौका दिया। आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, इसकी निस्बत जो है इंसान की सेहत और इंसान की बीमारी से है। सेहत के हर इंसान जो है रात दिन अल्लाह ताला से दुआ करता है और इस बीमारी से बचने के लिए भी इंसान जो है रात दिन अल्लाह ताला से दुआ करता है। आजकल इंसान जो है मौजूदा बीमारियों से और आने वाली बीमारियों से काफी हद तक बहुत ही परेशान है और इस बीमारी के ताल्लुक से अच्छा मैं कहूँ तो हर इंसान जानता है कि इस बीमारी के खर्च के लिए इंसान जो है अपनी पूरी कमाई खर्च करता है लेकिन वो बस नहीं होती। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस गवर्नमेंट के जरिए से हमारे लिए एक इंतजाम जो पेश किया, जैसे कि आज जो हम बैठे हैं आयुष्मान भारत जो कार्ड उसको हासिल करने के लिए, इससे पहले भी गवर्नमेंट की स्कीम थी यशस्वी
लेकिन वो एक ऐसा कार्ड था कि उसको हर साल जो है उसकी फीस अदा करनी पड़ती थी और उसकी मियाद जो है सिर्फ एक साल रहती थी। उसके बाद अगर क्या आपको जरूरत है तो फिर हम उसकी फीस अदा करना है तब जाकर वो हमारा कार्ड बनता था। लेकिन आज जो कार्ड बन रहा है उसकी कोई रिन्यूअल नहीं है, उसकी कोई मियाद नहीं है, यानी हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा और हम उससे फायदा हासिल करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत सी सहूलियात है और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह क्लीन रखते हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम क्लीन देख रहे हैं। अगर हम हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंदौर में फोक्तन हमारा जाना न होता है और एक करीब की तालुका हॉस्पिटल है, माशाल्लाह बहुत ही साफ सफाई वहाँ पर रखी हुई है और छोटे छोटे कमरों की भी वहाँ पर सहूलियात की हुई है और हम जो भी गवर्नमेंट से सहूलियात आती है हम उसको फायदा उठाने की जरूर जरूर कोशिश करेंगे।